गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने आखिरकार कुलदीप सेंगर को दोषी करार कर दिया है। 30,000 कोर्ट ने फैसला आज सुनाया है। जज ने कुलदीप सिंह सेंगर से कहा कि आपने जिस तरीके से पीड़िता के पिता को मारा वो काफी खौफनाक था, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया। आरोपी कुलदीप सेंगर समेत जिन 7 लोगों को दोषी करार दिया गया है, इसमें से 2 यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, 1 एसएचओ है और दूसरा सब इंस्पेक्टर। वहीं कोर्ट इस मामले में 12 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल उन्नाव रेप पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 में उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप की जांच कर रही है। इस मामले में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान समेत 6 और लोगों के खिलाफ आरोप तय कर रखा था। आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यूज डेस्क।